नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और कैथल के बस स्टैंड पर आपको बता दें कि एक जो ये बसें देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये बसें पूरी तिरंगा में बना दी गई हैं और इसके अलावा कुछ एक बसों पर और जो हर घर तिरंगा अभियान है वो लगाया हुआ है। तो तस्वीरें आप कैथल के बस स्टैंड देख रहे हैं, तो क्या कुछ अभियान है, किस तरह से ये जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दो बसें हैं पूरी तिरंगा में बना दी गई है, क्या कुछ जो विभाग का अभियान है, किस तरह से क्या कुछ पूरी योजना है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो GM है रोडवेज अजय गर्ग जी, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ जो विभाग की तरफ से आदेश आए हैं, किस तरह से इन बसों को तिरंगा में बना दिया है और क्या मैसेज वो इन बसों के माध्यम से देना चाहते हैं। जी सर, स्वागत है। नमस्कार सर। जो ये बस बनाई हुई है पूरी तिरंगा में, तो क्या कुछ मैसेज संदेश इसकी तरफ से देना चाहते हैं? सरकार की तरफ से पूरे स्टेट वासियों को ये आह्वान है कि हर आदमी अपने घर पे तिरंगा लगाए। अब की बार, क्योंकि आप सब जानते हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में रोडवेज ने भी अपनी 55 बसों पे ये एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, जिसमें सभी के लिए मैसेज है कि अपने घरों पर इस 75वीं वर्षगांठ पर 11 से 17 तक तिरंगा लगाया जाए। तो हमने इसमें हमारी 23 बसें जो किलोमीटर स्कीम की हैं, लीज पे हैं, उन सभी बसों को हर घर तिरंगा एडवर्टाइजमेंट से रंगा है और इसके अलावा 32 बसें जो ऑर्डिनरी बस हैं उन बसों को ये हर घर तिरंगा की एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है। जी सर, जो दो बसें पूरी तिरंगा में बना दी है, तो किस तरह का क्या कुछ सुझाव है कि आया इस जो तिरंगा में बनाने के लिए और कितना क्या कुछ खर्चा इन बसों पर है? ये हमारे मुख्यालय से ही आदेश थे कि 53 बसें जो हैं वो पार्शली इस एडवर्टाइजमेंट ये लगाई जाएगी और जो दो बसें हैं वो कम्प्लीटली, मतलब टॉप से लेके खिड़की के आगे, खिड़की के पीछे, दरवाजे के आगे, दरवाजे के पीछे और टॉप तक, वो पूरी तरह से कवर होंगी। वो सिर्फ दो बसें हैं जो आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये सभी के लिए एक मैसेज है कि वो इस वर्षगांठ पे, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हर घर तिरंगा लगाया जाए और इस मुहिम को सफल बनाएं। तो सर, जो बस ये लगाई गई है तिरंगा में बनाई है, कितना क्या कुछ खर्चा है सर एक बस पे? इस पे खर्चा, क्योंकि मुख्यालय ने की तरफ से अभी आया, इसमें अभी खर्चा का कोई हमारे पास बिल वगैरह नहीं आया, जैसे ही कोई आएगा तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। जी सर, जो ये बसों का रूट है ये कहाँ कहाँ रहता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहता है या कई डिस्ट्रिक्ट में? ये हमारी बसें हैं लॉन्ग रूट की भी हैं और जो लोकल रूट की हैं, विलेज की हैं, ये सभी बसें हैं, क्योंकि बसों का कोई निर्धारित रूट नहीं है। आज हो सकता है वो लॉन्ग रूट पे जा रही हो तो उसको लोकल रूट पे या विलेज के रूट पे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ये मैसेज, क्योंकि ना केवल कैथल डिस्ट्रिक्ट अपितु सारे ही डिस्ट्रिक्ट में ये बसों को रंगा हुआ है, तो ये और बसें एक अच्छा माध्यम भी होती है, पब्लिक आम आदमी है जो बसों में सफ़र करता है, बस अड्डे पर जाता है, तो वो इन बसों के माध्यम से उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम इस वर्षगांठ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग या सारे लोग इस मुहिम को सफल बनाएं। जी सर, जो दो स्पेशल बसें हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं विशेषकर? ये वैसे तो आउट ऑफ स्टेट दिल्ली भी जाती हैं, ये चंडीगढ़ भी जाती हैं, पर मैंने जैसे कहा है कि ये फिक्स नहीं है, कई बार हम उनको लोकल सभी डिस्ट्रिक्ट में ताबीज़, हाँ सभी जगह, जो सभी जगह ये एडवर्टाइजमेंट हो सके। सर, एक रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो सरकार ने जैसे हर बार की तरह इस बार भी फ्री किया है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से, मतलब जो अपने हरियाणा रोडवेज की बसों की तैयारियां, कब से जो फ्री में जो महिलाएं यात्रा कर सकती हैं? जैसा कि आप जानते हैं 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सरकार की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से हमें निर्देश है कि 10 अगस्त से 12 बजे से, दोपहर को 12 बजे से और 11 का पूरा दिन महिलाओं का हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री उनके लिए संचालन किया जाएगा और उनके साथ जो भी बच्चे होंगे 15 साल तक के बच्चे, वो भी फ्री बसों में सफ़र कर सकते हैं। तो हमने अपनी व्यवस्था के तौर पर सभी कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द की हैं और ये इंश्योर करेंगे किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था बस स्टैंड पर ना हो, किसी भी यात्री को, किसी भी महिला को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। जी सर, कई बार देखा जाता है हर बार जैसे रूट है वो कम होते हैं, क्योंकि जो फरी का वो देखते हैं कि भी जो महिलाएं हैं फरी, बच्चे भी फरी हैं, तो इस कारण जो रूट कम कर दिए जाते हैं, तो क्या रूट कम रहेंगे या कितने रूट रहेंगे?
ये क्योंकि ऐसा पर्व है इसमें भीड़ होने के अंदेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसमें नॉर्मल दिनों की बजाय जैसी भी डिमांड होती है, जिस प्रकार पब्लिक को जिस जगह ज़्यादा रश रहेगा या उनका आना जाना जिस रूट पे ज़्यादा रहेगा, उनकी डिमांड के अनुसार ही उस दिन बस चलाई जाएगी। अगर हमें लगेगा किसी पर्टिकुलर रूट पे रश ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम किसी अन्य रूट से उसको डाइवर्ट करके उस रूट पे उस बस को भेजेंगे। मतलब सभी बसें चलेंगी सर? बसें सभी चलेंगी, 100% हमारी बसें चलेंगी। सभी स्टाफ को हमने इन दो दिनों के लिए किसी को छुट्टी नहीं दी है, और सारे इंस्पेक्टर हैं वो चेकिंग करेंगे, तो हमने सारे स्टाफ को इस दो दिनों के लिए डिप्यूट किया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ GM अजय गर्ग जी रोडवेज के, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें, दो जो बसें हैं तिरंगे में बनाई हुई हैं, इसके अलावा कुछ और बसों पर भी जो तिरंगे लगाए गए हैं, और रक्षाबंधन को लेकर भी जो विभाग की पूरी तैयारियां हैं, और इन्होंने बताया कि किसी भी रूट पर यात्रियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, हर संभव जो रूट की जो व्यवस्था है वो दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।